जय हिंद एवरीवन। आसाम पुलिस की जो भर्ती निकली हुई है तो ये पूरे भारत के लिए नहीं है, ये सिर्फ आसाम वालों के लिए है, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया हूँ। देखो भाई, अभी मैं खेत में आया था और ऐसा कोई भी भर्ती आएगा तो मैं आप लोग को बताता रहूँगा। और पता है, ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है भाई। ये जो भाई दिख रहे हैं ना, ये 6 साल तक मतलब विदेश में रहे हैं और इनकी कहानी अभी मैं बता रहा हूँ। और देखो, इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप पढ़े लिखे रहोगे, बहुत होशियार रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बस आपके अंदर जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और लगन होना चाहिए, ये सब, और धैर्य होना चाहिए। ये सब आपके अंदर रहेगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। और पता है, बहुत सारे भाई हमारे भारत में ऐसे बैठे हुए हैं ना, अभी हमसे भी अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो कैमरा के सामने नहीं आते हैं, बताते नहीं हैं, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं। तो भाई, उन लोगों को शेयर करना चाहिए यार, बताना चाहिए। अगर आप, आपके अंदर कुछ हुनर है, आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो उसको छुपा कर रखोगे तो कोई जानेगा? अच्छा, ये आप सोच कर दिखाना, आप अपने दिमाग में सोचना, आपके ज़िंदगी में है ही क्या 70 साल की ज़िंदगी में? 70 साल बहुत कम ही जियेंगे आप, 70 साल बहुत लोग जियेंगे, तो आप पूरा मान लो 70 साल की ज़िंदगी में आपके अंदर है ही क्या? आप यार कुछ भी करोगे आपको कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपको याद रखे आपके जाने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे रहोगे, बहुत कुछ जानकार रहोगे, होशियार रहोगे तभी कुछ कर पाओगे अपने देश के लिए और अपने घर परिवार के लिए। ये भाई, अभी इसकी स्टोरी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो, अभी मैं खेत में ही आया था सुबह सुबह, और पता है ये जो भाई है ना, मैं पहले इसके पास चला हूँ। अभी जब मैं पढ़ता था, 2 में पढ़ता था, तो ये हमारे साथ ही पढ़ता था, 3 में भी साथ पढ़ा, 4 में भी साथ पढ़ा, 5 में भी साथ पढ़ा, ऐसे करके यार मतलब 7 तक साथ पढ़ा था। और जब 8 में आया था ना, देखो अभी खेत में मतलब ये मिट्टी जैसे चढ़ा रहा था, देखो जब 7 में आया ना तो 7 के बाद इसके घर में आग लग गई। और रियलिटी, इसका जो घर था पक्के ईंटे का नहीं था, वो छान होता है ना मतलब खड़ का बना होता है, तो वैसा था, इसके घर का पूरा सामान जल गया। ये रियल कहानी है, देखो मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ आप लोग को, ये रियल बात है। और हमारे गांव में इसका, हमारे घर से मतलब 2-3 घर के बाद इसका घर है। तो पता है क्या हुआ, देखो इसका घर पूरा का पूरा जल गया, जो भी सामान था, बहुत भीषण आग लगा था यार, सब जल गया, इसके घर में खाने लायक भी नहीं था। ये मतलब उसी टाइम इसके अंदर, देखो ये अपना पढ़ाई छोड़ दिया, अब ये नहीं सोचा लोग हमको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और अभी उस समय छोटा था, देखो उस समय पढ़ाई छोड़ दिया और सब कुछ भूल कर अपने माता पिता को देखा, उनके आँखों में आँसू देखा, अपने बहन को देखा, अपने भाई को देखा, और डायरेक्ट चला गया यहाँ से मुंबई। और पता है मुंबई में वहाँ पूरा मतलब काम सीखा, अभी तो ये जानता भी नहीं था कि मैं क्या करूँगा बाहर जाकर, इसको कुछ नहीं पता था। देखो रास्ते खुल जाते हैं अगर उस पर आप काम करना शुरू कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। ये यहाँ से गया मुंबई, मुंबई में काम सीखा, ये जानता नहीं था किस तरह काम किया जाता है, किस तरह वहाँ व्यवहार किया जाता है, बिहेव किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है, जब अपना घर छोड़कर कहीं जाओगे ना तो आपको यार मतलब कुछ भी काम करोगे, अगर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आपको गालियाँ भी सुननी पड़ेगी, गालियाँ भी देंगे सब, अगर आपके हाथ में नहीं रहेगा तो। तो ये भाई सब कुछ सहा, सब कुछ देखा, मुंबई में 1 साल तक काम किया, उसके बाद पासपोर्ट लगाया, सीधे चला गया विदेश। और विदेश 5 साल तक कभी मतलब बाहर का नाम मतलब बाहर को देखा ही नहीं था, लेकिन 5 साल तक ये विदेश रहा है और 5 साल तक काम किया। आज अपना घर बनवा लिया है, पक्के ईंटे का, पक्की ईंटे का पूरा छत लगवा लिया है, घर बनवा लिया है, और आया तो एक पल्सर गाड़ी खरीदा है, अपने पैसे से खरीदा है पता है। और इनके माता पिता, अभी इनका परिवार पूरा खुश है, पूरा मतलब खुश है। और क्यों खुश है, क्योंकि इनके अंदर लगन था, जुनून था, और इनके अंदर धैर्य था कि हाँ एक दिन हम कुछ करेंगे। अभी तो बहुत कुछ करेगा, अभी ऐसे लड़के बहुत कम ही रहते हैं पता है, कुछ ऐसे रहते हैं ना, देखो ये दूसरे का बात सुनता है तो उसको सोचता है, कुछ ऐसे रहते हैं यहाँ से सुनेंगे यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से जब देखेंगे भी सब ना तो 1 महीना तक याद रहेगा, 1 महीना लगन से काम करेंगे फिर छोड़ देंगे। अगर ऐसा करोगे ना तो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कुछ अलग करना है ना तो लोगों की बात सुनो कि हाँ ये बोल रहा है, सुनो लेकिन उस पर ध्यान नहीं दो, जो लग रहा है कि हाँ ये सही है उस पर आप ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये भाई अभी आपको खुद बताएगा। मैं इधर मुंबई गया डायरेक्ट, उधर काम किया। अच्छा, आप मुंबई में कौन काम किए? पेंट का काम सीखा, पहले तो सीखा नहीं था, अभी आपको कुछ पता नहीं था? नहीं, कुछ पहले तो कुछ पता नहीं था, गया उधर काम दिया, किया पेंट का कैंप दिया, किया करते करते सीखा, 6 महीने तक सीख गया,
उसके बाद 6 महीने के बाद फिर 1 साल हो गया, पासपोर्ट बनवा लिए 6 महीने में। उधर पासपोर्ट बनवाया, उधर फिर गया दुबई। दुबई तो 5 साल था उधर, डायरेक्ट उधर कमाया, घर बनवाया, गाड़ी भी ले लिया, घर बनाया, आया तो गाड़ी लिया, बहुत कुछ किया। अभी आगे लोग अभी आगे भी आपको बहुत कुछ करना है भाई, अभी आपको करना है, क्योंकि ऐसे लड़के बहुत कम ही रहते हैं भाई। आप लोग खुद सुन लो यार, इसका घर जल गया था, घर में कुछ नहीं था, घर छोड़कर बाहर गया मुंबई, पेंट का काम सीखा, पेंट का काम साल भर किया, साल भर करने के बाद वहीं से पास घर नहीं आया, घर नहीं आया। इससे मुलाकात हुआ जब हम लोग बहुत छोटे थे तब मुलाकात हुआ था, और अभी प्रेजेंट टाइम में 5-6 सालों बाद ये हमसे मिला है, 6 साल बाद हमसे मिला है। तो सब कुछ छोड़कर चला गया और वहीं से मुंबई से ही विदेश चला गया। तो ऐसी जिद होना चाहिए, और किसी से कुछ बोलता भी नहीं था, बहुत कम बोलता है, मतलब थोड़ा शर्मिला टाइप है, बहुत कम बोलता है, लेकिन अंदर आग तो है, बोलने से कुछ नहीं होता है, जुनून तो है कि हाँ कुछ कर जाऊँगा। आज इसके माता पिता भी खुश है, और देखो खेतों में अभी आकर सुबह सुबह काम कर रहा है, और अभी कोई दूसरा कोई रहता तो सोचता यार मैं तो बहुत कुछ कर लिया हूँ, मैं तो साल भर विदेश रहा हूँ और गाड़ी पल्सर ले लिया हूँ, मुझे तो घूमना चाहिए नए नए कपड़ा पहनकर। ऐसा जो करेगा मतलब बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ अपने ऐश करेगा, खाएगा पिएगा घूमेगा, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। जिसको बड़ा करना है उसको धैर्य रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा भाई। तो देखो अभी अपने भाई से थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों से बात करने से ज़रूर कुछ सीख मिलता है, और अंदर मतलब ये भी रहता है कि यार जब ये भाई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आप बहुत होशियार रहोगे, बहुत पढ़े लिखे रहोगे तभी कर पाओगे। देखो जो बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं, ये सोचते हैं हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, ये तो मतलब अगला बंदे को जो गंवार समझते हैं ना, वो दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना आप लोग देख लेना, जो अपने आप को घमंडी समझेगा, बहुत होशियार समझेगा, बहुत जानकार समझेगा, वो कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो वो भाई जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, चाहे पढ़ा लिखा रहेगा लेकिन अपने आप के अंदर कभी घमंड नहीं करेगा, तो वो कभी भी आगे बढ़ेगा, वो कभी भी मतलब दुनिया में नाम करेगा भाई। जिसके अंदर जुनून होगा, लगन होगा और धैर्य होगा, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे अनिल भाई, इनका नाम अनिल है, ठीक है ना, अनिल है। और देखो अब तो हमसे हाइट में तो हमसे बड़ा हो गया भाई, पहले तो हाइट में हम दोनों बराबर थे, लेकिन बाहर गया और मतलब घर भी सब कुछ हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई के साथ। अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने भाइयों से, हमारे साथ 53,000 लोग जुड़े हैं, 53,000 से अधिक लोग जुड़े हैं, तो आपको देखकर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। कुछ बोलना चाहेंगे कि भाई आप लोग भी करो, और जो आपके अंदर है वो थोड़ा बता देंगे तो सही रहेगा, मतलब क्या होना चाहिए सक्सेस होने के लिए अंदर। अरे भाई मैं बताता हूँ, आप लोग सक्सेस होने के लिए मेहनत करो, और बस मेहनत करो और कुछ नहीं, मेहनत करो और लगन, और कुछ नहीं है। अपने माँ बाप को रक्षा करो, देखो अपने माँ का ख्याल रखो, बस अपने माँ बाप को देखो भाई, उनका चेहरा देखोगे तो आप खुद मेहनत करने लग जाओगे। और ऐसा नहीं है कि ये भाई पढ़ा नहीं है तो ये जो बात आप लोग को बता रहा है ये बात मतलब सही नहीं हो सकता, ये बहुत होशियार रहेगा, बहुत पैसे वाला रहेगा, बहुत अमीर रहेगा तो ये बात बताएगा, तो आपको बोलेगा, आप बोलोगे कि हाँ यार ये तो सही बोला। ऐसा होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी कोई मतलब वैसा बंदा बताएगा ना कुछ तो बोलेगा भाई थोड़ा सा मतलब उस पर सोचेंगे सब नहीं, और कोई बहुत अमीर कुछ बोल देगा तो वो बोलेगा ना हाँ यार इसी बात तो सही है, ऐसा तो करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, ये भर्म है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो, अभी ये भाई बहुत कुछ करेगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है भाई लोग, अभी थोड़ा खेत है, खेत में काम है, तो अपना भाई खेत में काम कर ले, और हमको भी थोड़ा खेत तो देखने आए थे, हमारे खेत का काम तो सब मैं कैंप में जाने से पहले ही कर दिया था। आप लोग अपना जुनून के साथ लगन के साथ तैयारी करते रहो, ठीक है ना। जय हिंद।